दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वर्मा संस ज्वेलर्स चौक बाजार सोलन। मंडी जिला में लोगों को मताधिकार को लेकर जागरूक करने और युवाओं को अपना वोट बनवाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने जिला मुख्यालय से एक डेमोक्रेसी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी वैन जिला भर में घूमकर जनता को मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित बनाने को जागरूक करेगी। मतदाता सूची में संशोधन, परिवर्तन, नाम हटाने अथवा जोड़ने, नई प्रविष्टियां आदि को लेकर जागरूक करेगी। साथ ही जिला में पात्र युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं को अपना वोट बनवाने को लेकर प्रेरित किया जाएगा। आज यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डेमोक्रेसी वैन यहां पर फ्लैग ऑफ की है। ये हर साल की गतिविधि होती है जहां पर कि जो भी हमारे मतदाता है, ये विशेषता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के जितने मतदाता है उनको एनरोलमेंट करने के लिए, और उसके साथ ही जो युवा अभी अभी 18 साल हुए हैं, जो कट ऑफ से अभी 18 साल होके अपना नाम वो पंजीकृत कर सकते हैं, उन लोगों के लिए उनको जागरूकता करने के लिए एक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव होती है। उसी इनिशिएटिव के तहत आज एक डेमोक्रेसी वैन यहाँ से हमने फ्लैग ऑफ किया है, जो पूरे जिला मंडी में सभी जगह पर जाएगी और जो युवा हैं जो अभी 18 साल हुए उनको भी एनरोल करने के लिए आग्रह करेगी। साथ ही साथ अगर किसी और के कोई चेंजेस हैं, किसी की अगर शिफ्ट हुई है, क्योंकि ये कंटिन्यूस अपडेशन होती है, हर साल होती है इलेक्शन कमीशन की, और इस अभियान को आज जो है हरी झंडी यहाँ से जिला मुख्यालय से दी है। ये वैन हमारी सभी जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करती रहेगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्म चंद वर्मा।